तो साथियों, आज हम सीखने वाले हैं कि गियरबॉक्स कैसे फिट करें और कैसे चेंज करें। तो पहले इसकी आवाज़ जो है वो हम सुन लेते हैं कि इसमें किस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसको करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करना है कि हमारा जो आवाज़ आ रहा है वो आना बंद हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर जो है उसको खोल लेंगे, क्योंकि बिना बैक कवर खोले हम इसमें कोई प्रोसेस चालू नहीं कर सकते। अगर जो आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप बैक कवर ही खोलकर उसको पता लगा सकते हैं। अब हम खोलने वाले हैं वायरिंग वगैरह। वायरिंग वगैरह खोलने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ केबल टाइज वगैरह होती हैं उसको हमको काट लेना है, और यहाँ पे जो है हमारा सॉकेट लगा होता है उसको यहाँ से निकाल देना है। तो निकालने के बाद देखिए, जाहिर सी बात है, अगर जो आप यहाँ से सॉकेट निकाल दे रहे हैं तो यहाँ जो केबल टाई लगे हैं वहाँ से आप केबल टाई को तोड़कर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप बाद में उसको केबल टाई से अच्छी तरीके से बांध देंगे। यहाँ पे देखिए लॉक रहता है, इसलिए इसमें निकालने पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो मोटर का जो सॉकेट है वो नहीं टूटे, तो इस चीज़ को आपको खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पे हम केबल टाई को जो है वो तोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए अचानक से हम खोल रहे हैं इसलिए हमने पकड़ ना लगा के पेचिया से ही तोड़ दिया। इसको भी हम खींच कर खोल देंगे, क्योंकि हम बाद में यहाँ पर केबल टाई से बांधने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ हम दो तीन जगह जो हमारा है यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेचकश डालेंगे तो ये निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारा निकल चुका है, अब हमारा जो है पाइप को भी खोल देते हैं, क्योंकि अगर जो हम ड्रम को बाहर लेंगे तो पाइप जो है वो खोलना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वायरिंग है यहाँ पे जो हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद जाहिर सी बात है हम ऊपर का भी जो पोजीशन है हमारा, जहाँ पे पीसीबी हमारा लगा रहता है जिसमें ग्लास रहता है, उसको भी हम खोल लेंगे। यहाँ पे देखिए आगे आपको यहाँ पे दो डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी स्क्रू लगा रहता है, तो खास करके आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है और यहाँ पे जो है स्क्रू खोल लेना है। यहाँ पे कुछ नुकीले चीज़ से हम खोलते हैं ताकि ये जो हमारा है फटाफट खुल जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है वो ऊपर का कवर वो निकल चुका है, अब इसका स्क्रू भी जो है वो हम खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद जो है हम सारा स्क्रू एक जगह रख देंगे, क्योंकि हमारा जो स्क्रू है वो सब हमको बाद में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्क्रू का साइज़ है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू का साइज़ इसका सबका अलग अलग होता है। फिर हम इसको ऊपर से जो है ये उतार देंगे, पूरा जो है इसको हम साइड में ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारा ये पूरा निकल चुका है, और अब ये हमारा खाली ड्रम बचा है। ड्रम खोलने से पहले इसको हम यहाँ से जो है इसके ऊपर का कवर खोलकर इसमें जो नट होता है वो नट को हम खोल लेंगे, क्योंकि बिना नट खोले अगर जो हम पूरा ड्रम बाहर निकाल देते हैं तो ये हमारा जो है बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, हमको खोलने में तकलीफ ही हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको खोल दिए हैं, और इसको आप ऊपर से ऐसे करके कुछ इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बल लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। कचरा भी इसमें काफ़ी है, लगता है काफ़ी दिन से ये सर्विस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कपड़े जो है वो इसमें फंस चुके हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम यही आता है कि आप सफाई नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम होना है। अब यहाँ पे जो है हम इसको जो हमारा हब दिख रहा है ये नीचे का, यहाँ पे अब इसको हम काटने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फाइनली हम यहाँ से तोड़कर इसको निकाल देंगे। सावधानी से, आपका ड्रम नहीं टूटना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम इसको बाहर भी, ड्रम को बाहर ले लेते हैं यहाँ से। और अब हमारा सारा काम जो है ये ड्रम पे ही होगा, क्योंकि अगर जो हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा अंदर से कोई काम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप को खास करके ये ध्यान रखना है। अब हम इसको फटाफट जो है वो इसका काम जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ऊपर का जो ये प्लेट है, ये प्लेट को खोल लेना है। हमको ये पूरे जो ऊपर का मतलब मेटल है इसको डिसमेंटल करना है। तो सबसे हम पहले इसको फटाफट खोल लेते हैं। जो हमारा मोटर है, बेल्ट है, ये सबको हम उतार कर अलग अलग कर देंगे। तो ध्यान रहे, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो चीज़ जहाँ से खोलेंगे वो नट वहाँ पे ही लगाना, नहीं तो ये वर्लपूल का जो मशीन है एक बेहद ही मतलब मुश्किल वाला होता है, क्योंकि इसमें जो है सब साइज़ अलग अलग आता है स्क्रू का, इसकी वजह से आपको तकलीफ ही पड़ सकती है। सबसे पहले हम ड्रेन असम्बली खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने जो काटा था यहाँ पे हब, ये जो है हम हब इसको नया डाल देंगे। यहाँ पे जो हमारा हब है वो पूरा लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हम इसको ओरिजिनल हब डालेंगे, क्योंकि अगर जो डुप्लीकेट आप डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है और जल्दी सड़कर टूट भी सकता है। तो अब हमारा बारी है मोटर खोलने का, तो मोटर भी खोल लेते हैं। मोटर खोलते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसका जो मतलब यहाँ पे जिस तरह से आपको खोलना है आपको उसी तरीके से फिट करना है, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें भी अगर जो आप थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं या ऊपर नीचे कर देते हैं, आप सही से नहीं बैठाते हैं, तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे देखिए, हमने सारा मतलब खोल दिया है, मोटर वगैरह ऊपर का पुल्ली वगैरह सारा खोल दिया है। और यहाँ पर जो है वो हम अब फटाफट इसको ड्रेन मोटर को भी खोल लेंगे। ड्रेन मोटर खोलने में हमको 3 स्क्रू का ज़रूरत पड़ता है, और ऊपर जो हमारा प्लेट है जिस पे हमारा गियर बॉक्स जो वो टिका रहता है, जिसके कारण हमारा मतलब प्लेट इधर उधर नहीं होता है, ये भी हम खोल लेंगे। तो नीचे का भी जो हमारा हब का सिस्टम है उसको भी हम खोल लेंगे, ताकि जो है हमको बार बार खोलने का झंझट ना रहे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सारा नट जो है वो खुल चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 नट नीचे आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब जब भी खोलें सावधानी से खोलें, क्योंकि ऊपर जो है वो पतरा रहता है, हाथ में लगने का चांस जो है वो बहुत होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है थोड़ा आप सावधानी से ही खोलें, क्योंकि यहाँ पे खोलने का थोड़ा रिस्क होता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी खोलिएगा ड्रम जो है वो ड्रम संभाल कर खोलिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये पूरा खुल चुका है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा असेंबली जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको जो है वो रिप्लेस करने वाले हैं, इसको भी, वाटर सील को भी। और ये हम नहीं रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि अगर जो हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे देखिए हम क्या क्या चीज़ इसमें डालने वाले हैं, पहला नंबर है हमारे पास जो है ये गियर बॉक्स है, जो कि ओरिजिनल है इसका, वर्लपूल का, आप यहाँ पे देख ले रहे हैं। यहाँ पे जो है ये भी हमारे पास सील भी ओरिजिनल है और बेयरिंग भी ओरिजिनल है। तो ये चीज़ आपको कंपलसरी है, जो वो आपको चेंज करना ही करना है, नहीं तो आपका जो है मशीन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो आप जो भी पार्ट यूज़ करें वो ओरिजिनल यूज़ करें, क्योंकि अगर जो आप डुप्लीकेट, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप डुप्लीकेट यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये फ़िट कर दिया है। अब इसके अंदर जो है हमको फ़िट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा जो है वो नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे पहले हम इसके ऊपर जो है ये प्लेट लगा देंगे, क्योंकि बिना प्लेट लगाए हम इसको नहीं लगा सकते। तो प्लेट लगाने के बाद ही हम इसको फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेट में हम बैरिंग लगा देते हैं, उसके बाद बैरिंग के ऊपर ये हम सेट करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो सेट हो चुका है। सेट होने के बाद हम जो नट आपको पहले ही बताए थे, जो नट जहाँ से खोले हैं वहाँ पे ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो नट है वो हमने सारा फिट कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इसके ऊपर जो हमारा स्प्रिंग लगता है इसको भी हम लगा देंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ पे कुछ ग्रीस वगैरह लगा देंगे ताकि जो हमारा स्प्रिंग है वो स्मूथली काम करे। तो यहाँ पे जो हम थोड़ा ग्रीस लगा देंगे, और याद रखिए ग्रीस हमेशा लाल वाला ही यूज करना है, क्योंकि लाल वाला जो है
वो काफ़ी स्मूथ रहता है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन अच्छा रहता है। यहाँ पे हमने असेंबली भी लगा दिया है ग्रीस लगा के, तो अब इसके ऊपर जो है वो हम जो है पुल्ली लगाएंगे, जो कि आप लोग को बता दूँ यहाँ पे देखिए हमारा जो है पुल्ली आसानी से बैठ गया है और इसके ऊपर जो है हम नट टाइट करने वाले हैं अच्छी तरीके से। पहले बता दे रहा हूँ जो ये नट है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो टाइट करना है। ये अगर जो ढीला रहा तो आपका जो सारा मेहनत है वो पानी फिर जाएगा। अब हमारा बारी है जो है मोटर लगाने की, तो मोटर को भी हम बारी बारी से दो नट लगाते हैं हम इसमें मोटर में, क्योंकि आप देखिए अगर जो हमारा सैमसंग और LG वीडियोकॉन का होता है तो उसमें मोटर जो है वो हमारा मतलब एडजस्टमेंट करने जैसा होता है, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं आता है। तो यहाँ पे आप सावधानी से मोटर को लगा सकते हैं और जहाँ तक हो सके आपको बेल्ट ही बदल देना है, क्योंकि अगर जो आप नया गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं तो आप जो है बेल्ट बदल दें। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ड्रेन मोटर, यहाँ पे हम ड्रेन मोटर हमारा पहले वाला ही यूज करेंगे क्योंकि ड्रेन मोटर जो है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्रेन मोटर को भी हम फिट कर लेंगे। अगर जो आप ड्रेन मोटर चेंज करेंगे तो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो ड्रेन मोटर आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि ड्रेन मोटर जो है वो हमारा वर्क कर रहा था और इसमें हम खाली गियर बॉक्स जो है वो पूरा चेंज करने वाले कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए अगर जो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और आप अपने काम के प्रति बहुत ही प्यार करते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर सारा चीज़ वो फिट कर देंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके कारण मैंने वीडियो को जो है कहीं कहीं पे जहाँ पे स्क्रू वगैरह टाइट करना है वहाँ पे मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है आप जैसा कि देख रहे हैं। अब हमारा मेन काम जो है इसको अंदर डालना है और आपको दिखाना है कि ये हमारा मशीन जो है किस तरीके से वर्क करता है गेयरबॉक्स डालने के बाद। यहाँ पे देखिए काफ़ी कचड़ा है, कचड़े को हम साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा कचरा साफ़ करने वाले हैं और यहाँ पे अब हमने साफ़ कर अंदर लगा दिया है और ऊपर से हमने पल्सेटर को भी बैठा दिया है। और ये हमारे भाई भुक्कड़ हैं, वो खाना खा रहे हैं, उनको इग्नोर करिए। तो यहाँ पे जो है ये हम इसका पट्टी भी लगा देंगे जो कि हमारा ऊपर का कवर पट्टी है बैलेंस, तो इसको हम फ्री है कि नहीं है इसको घुमा कर चेक कर लेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नीचे हमारा पाइप था इसको भी टाइट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इसको टाइट करना। अगर जो आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये जो हमारा है आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमारा फाइनली जो है वो सब काम पूरा हो चुका है और अब हमारा मेन काम जो रह गया है वो है वायरिंग का। तो वायरिंग हम फटाफट से कर लेंगे। वायरिंग करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कंप्लीट चला के दिखाऊंगा कि हमारा मशीन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा सारा जो है वो हम वायरिंग को फिट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और स्क्रू भी जो है मैंने पहले बताया था आपको अपना स्क्रू ध्यान से रखना है कहाँ कौन सा किस जगह का है, तो हमने वो चीज़ यहाँ पे फटाफट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारा वो कंप्लीट फिट हो चुका है ऊपर का कवर और यहाँ पे अब हम नीचे जो है वो वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के बाद आपको हम चालू करके दिखाने वाले हैं कि हमारा मशीन जो है किस तरीके से काम करता है, आवाज़ करता है या नहीं करता है। यहाँ पे कैपेसिटर को हमको अच्छी तरीके से रख देना है ताकि वो हमारा कैपेसिटर है वो नीचे नहीं गिरे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने तोड़ दिया था तो इसके लिए हमको यहाँ पे केबल टाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम केबल टाई को ऐड करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो केबल टाई लग रहा है, तो केबल टाई को काट देंगे और ये हमारा पूरा अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। अब हमारा जो है वो पाइप सेंसर का पाइप जो आता है उसको भी हम लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है वो सेंसर का पाइप यहाँ पे वो लग कर रेडी हो चुका है और इसको यहाँ पे जो है वो हम फंसा लेंगे क्योंकि ये जगह ही उसी के लिए दिया होता है ताकि आपका पाइप जो है वो बॉडी से टच ना करे और आवाज़ ना करे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा सारा प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब पीछे का बैक कवर रह गया लगाने के लिए, तो अब फटाफट हम बैक कवर को भी लगा लेंगे क्योंकि अगर जो हम फटाफट से लगाएंगे तो आपका समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट हम इसको लगा चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसमें कोई वर्क नहीं रह गया खाली चेकिंग करने के सिवा। तो अब हम इसको शुरू कर देते हैं। तो आप यहां पे देखिए हमारा मशीन बिल्कुल ओके हो चुका है और कोई भी आवाज़ नहीं है। आपको पीछे से भी सुना देते हैं कि इसमें कोई भी आवाज़ या वाइब्रेशन नहीं है। तो हमारा मशीन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए आप सबको